अस्सलाम वालेकुम। अब मैं इस टेक्निक को जो कि आपको पिछली वीडियो में मैंने सिखाई, शेडिंग करना और पेंसिल के टेक्सचर से हेल्प ली और हैचिंग किया, हैचिंग इस टेक्निक को कहते हैं जिस पर आप लाइन चलाते हैं। क्रॉस हैचिंग, आप इसके ऊपर क्रॉस पे जब लाइन चलाएंगे तो क्रॉस हैचिंग होगी। अब हम इसको एक नए मेथड से, इसके ऊपर नया मेथड अप्लाई करते हैं और इसको और दूसरे अंदाज से इसको ऊपर शेडिंग करते हैं। अब हम टिश्यू पेपर यूज़ करेंगे, टिश्यू पेपर लेंगे हम, टिश्यू पेपर से हम इसको मर्ज करेंगे बिल्कुल तो चारकोल की तरह। ये भी एक टेक्निक है पेंसिल की। ये देखिए हमने मर्ज किया स्पॉट को और साइड से शेडिंग हमने इसकी जो बाहर आ गई है मर्जिंग से हमने इसको क्लियर किया। इस रेज़र से आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर हमने थोड़ा सा लाइट किया और थोड़ा यहाँ पर लाइट किया। लाइंस की मदद से भी आप इसका वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। टेराकोटा पे लाइंस भी होती हैं। अब हम इसको मर्ज करेंगे। इसके बाद फिर हम थोड़ा सा इसको यहाँ पर इजाफी लाइंस हो गई हैं उसको रेज करेंगे और इस पर फिर शेड करेंगे। और टिश्यू पेपर से इसे ब्रश करेंगे। मार्जिंग अच्छी होनी चाहिए। अब हमने यहाँ पर देखा कि हाईलाइट यहाँ पर आ रही है। और हाईलाइट यहाँ पर आ रही है। थोड़ी लाइट यहाँ पर भी आ रही है।
इसके बाद फिर हमने इसको डार्क टोन दिया, इस जगह पर हमने और हाई टोन लगाई, और यहाँ पर भी आपको फील हो रही होगी। स्पॉट के अंदर मैंने कोशिश की है कि लाइटर टोन मिडिल टोन और डार्कर टोन इन तीनों टोन्स का इस्तेमाल मैंने किया है ताकि और हाईएस्ट टोन मैंने यहाँ दे दी है। लाइटर मिडिल हाई टोन और फिर हाईलाइट, इसके बगैर ये कंप्लीट नहीं होता और अच्छा नहीं लगता। और इसका जो वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है वो डार्क मिडिल और लाइटर टोन के बैलेंस होने पर हो रहा है। जैसे डार्क यहाँ पर मैंने दिया है, थोड़ा यहाँ डार्क दिया है, मिडिल टोन ये मैंने दी हुई है और लाइटर टोन मैंने इधर दी हुई है। शुक्रिया।